नमस्कार, दिस इज देवन प्रसाद अगेन टेकिंग ऑन अनदर लेक्चर इन द सी प्रोग्रामिंग सीरीज. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर. सो इससे पहले हम लोगों ने जो भी स्टडी किया है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सी प्रोग्रामिंग कोर्स. एंड नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. एंड ये भी एक तरीके का ग्रुप है और इस ग्रुप में डिससिमिलर आइटम्स हैं, रादर हैविंग दी सिमिलर आइटम्स एज दैट वाज द केस इन द एरे. सो इससे पहले इसको डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक थोड़ा सा एनालॉजी तैयार करेंगे. इस एनालॉजी में हम ये देखेंगे कि अगर अभी तक जब तक हमारे पास स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हम लोगों को अगर एक ग्रुप रखना है, ग्रुप ऑफ लेट से फाइव नंबर्स, पांच नंबर हैं, वो हैं 8, 7, 6, 3, 2, ये पांच नंबर हैं. अगर ये हमें पांच नंबर का ग्रुप रखना है एक साथ, तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ आती है कि एरे, कि ठीक है एक एरे बना लेंगे, 1D एरे होगा और इसमें हम ये पांच एलिमेंट या पांच इंटीजर नंबर रख लेंगे. तो यहाँ 8 को रख लेंगे, यहाँ 7 रख लेंगे, यहाँ 6 रख लेंगे, यहाँ 3 रख लेंगे, यहाँ 2 रख लेंगे. तो ऐसा एक हम ग्रुप बनाएंगे और इस ग्रुप को हम एक नाम दे देंगे, लेट से ARR. और अब हम बोलेंगे कि ये क्या है, एरे है. टेक्निकली ये क्या है, एरे है. और जब हम इसे एरे कहना स्टार्ट कर देते हैं, तो हमें एक चीज़ पता चल जाती है कि यहाँ इंडेक्सिंग होगी. ये इंडेक्स 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा. और इस ग्रुप में से या इस एरे में से टेक्निकली अगर हमें ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मुझे एरे का नाम लिखना है, ब्रैकेट लगाना है और ब्रैकेट में सबस्क्रिप्ट यानी कि ये इंडेक्स देना है 1. तो ये नोटेशन से मुझे पता चल जाएगा कि ये 7 की बात कर रहा है. अगर मैं इस नोटेशन का यूज़ कर लेता हूँ प्रिंट एफ में, तो ये क्या प्रिंट करने वाला है. इस नोटेशन का सीधा सीधा मतलब है कि यू वांट टू प्रिंट 7. और सिंपली ARR1 में अगर मैं यहाँ पे इधर 8 लिख देता हूँ, तो इसका सीधा सीधा मतलब होगा कि ये 7 ओवरराइट हो जाएगा. जैसे इस वाले केस में ये 7 तो हो जाएगा ओवरराइट और इसकी जगह पे क्या आने वाला है, 8. इसकी जगह पे हमारी तरफ से क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा. तो यहाँ पे हम लोग 8 को फिट करने वाले हैं. तो ऐसा कुछ हम लोग स्टडी कर चुके हैं एरे में. लेकिन इन सब में एक ही इम्पॉर्टेंट बात थी कि ये जो सारे एलिमेंट हैं या ये सारे डेटा आइटम हैं, ये सिमिलर होने चाहिए. ये सब सिमिलर होने चाहिए. सिमिलर का मतलब ये, अगर सारे नंबर्स हैं तो सारे नंबर ही हों. एक नंबर एक कैरेक्टर और फिर एक स्ट्रिंग और फिर एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर सारे इंटीजर हैं तो सारे इंटीजर होने चाहिए, सारे फ्लोट हो तो सारे फ्लोटिंग होने चाहिए, सारे कैरेक्टर हैं तो सारे कैरेक्टर होने ही चाहिए. ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी. लेकिन रियल लाइफ में हमें ऐसा तो होता नहीं कि सारे सिमिलर आइटम और उन्हीं का ग्रुप बना कर रखना हो. कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ जाती है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आइटम्स हैं या वैल्यूज़ हैं, इनका भी ग्रुप बना कर रखना पड़ सकता है हमको. वी वॉन्ट टू ट्रीट अ सिंगल ग्रुप बट विद अ डिफरेंट और डिसिमिलर आइटम्स. तो अब ऐसा ग्रुप कैसे बनाए? तो ऐसा ग्रुप बनाने के लिए फिर हमारे पास एक नई चीज़ आ जाती है, एक नया कंसेप्ट आ जाता है, स्ट्रक्चर. तो इसी से स्ट्रक्चर की डेफिनेशन, बहुत सिंपल डेफिनेशन बनती है, अ ग्रुप ऑफ डिसिमिलर डेटा आइटम्स बोलो या एलिमेंट्स बोलो, ये सबका एक ही मतलब होता है. तो एग्जांपल के तौर पे हमें इस तरीके का ग्रुप रखना है. हमें रखना है स्ट्रिंग भी रखना है. सपोज स्ट्रिंग में रखना है DP, फिर हमें एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी रखना है, फिर हमें 30 एक इंटीजर नंबर भी रखना है. तो देख रहे हैं, ये इंटीजर नंबर है, ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, ये स्ट्रिंग है, और कभी कभी हमें एक कैरेक्टर भी रखना होता है. तो इन सारे डिसिमिलर टाइप के आइटम्स का या एलिमेंट्स का अगर हमें ग्रुप बनाना हो, तो हमें स्ट्रक्चर की मदद पड़ती है. तो स्ट्रक्चर की मदद कैसे करेंगे कि हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर. और इसको बनाएंगे कैसे, इसको बनाने का अपना एक सिंटेक्स होगा, स्ट्रक्ट. स्ट्रक्ट के बाद में इस स्ट्रक्चर को एक नाम दे देंगे. मान लो मैं इसको नाम दे रहा हूँ STD
कर्ली ब्रेसेस लगेगा। जैसे एरे को बनाते समय या एरे को क्रिएट करते समय हम लोग कैसे लिखते हैं, मान लो मुझे ये इंटीजर एरे बनाना है, तो हम लोग पहले डेटा टाइप लिखते थे कि सारे इंटीजर आने वाले हैं, फिर हम नाम लिखते थे एरे का, फिर हम ब्रैकेट लगाते थे और साइज़ लिखते थे कि भैया 5 एलिमेंट आने वाले हैं। फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाते थे और कर्ली ब्रेसेस के बाद में वो 5 एलिमेंट 8, 7, 6, 3, 2 ऐसे रख लेते थे और इसको सेमी कॉलन से बंद करते थे। तो ऐसे क्या होता था, डिक्लेरेशन भी हो जाता था, इनिशियलाइजेशन भी हो जाता था। ओके, अगर केवल डिक्लेयर करना होता था तो हम इसको ऐसे लिख देते इंट ARR, ब्रैकेट लगाए, साइज़ देना ज़रूरी होता है, और ऐसे हम डिक्लेयर करके छोड़ देते थे। तो इसका मतलब ये समझता कि आप 5 साइज़ का एक एरे बनाना चाहते हो जिसमें आप 5 नंबर रखने वाले हो, इंटीजर नंबर रखने वाले हो। ऐसे ही किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पे हम सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा, सिर्फ डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं। तो किसी स्ट्रक्चर को डिक्लेरेशन करने के लिए, डिक्लेयर करने के लिए कैसे तरीका होना चाहिए, स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर का एक नाम देंगे, कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, और इसके अंदर जितने टाइप का आप वैल्यू रखना चाह रहे हो उतने अलग अलग टाइप के वेरिएबल क्रिएट कर लोगे। जैसे पहला हम स्ट्रिंग रखना चाह रहे हैं, सबको पता है स्ट्रिंग बनाने के कई तरीके होते हैं, एरे वाला तरीका भी है, पॉइंटर वाला तरीका भी है। सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या होता है, पॉइंटर वाला। मान लो इसका मैं नाम, इसका सपोज DP को रखने के लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ, एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, उसका नाम है नेम। ओके, देन सेकेंड वैल्यू है फ्लोट। चलो फ्लोट के लिए हम एक वेरिएबल मान लें कि चलो रोल नंबर आपका रखने वाले हैं, रोल नंबर इंटीजर टाइप का होगा, तो हमने इंट RNO, इसको RNO बोल दिया। ऐसे ही लास्ट में एक कैरेक्टर है, इसको हम मान लेते हैं कि कैसा ग्रेड आप ले रहे हो, तो CHAR और एक इसका नाम दे देते हैं ग्रेड, कैसा ग्रेड आपको मिला, दैट्स इट। और बाद में इसको सेमी कॉलन से बंद कर देते हैं। जैसे हर डिक्लेरेशन सेमी कॉलन से बंद होता है, ऐसे ही स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन भी सेमी कॉलन से बंद हो जाएगा। ओके, तो वेरी सिंपल है। ऊपर जो ये मैंने डायग्राम बनाया हुआ, इससे आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अच्छा ये पूरा जो सर्कल है ये एक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, हर वेरिएबल अलग अलग टाइप का है, तो हम लोगों ने उनके रिस्पेक्टिव टाइप से उन सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करके छोड़ देना है, उनको भी एक एक नाम देना है। तो अब इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा कि जब भी ये स्ट्रक्चर बनेगा तो इस स्ट्रक्चर में नेम वेरिएबल के अंदर में ये वैल्यू जाएगी, एज वेरिएबल के अंदर में ये वैल्यू जाएगी, RNO वेरिएबल के अंदर में ये वैल्यू जाएगी, और जो ग्रेड नाम का वेरिएबल है इसमें ये वैल्यू चली जाएगी। ओके, सो दिस वे वी आर फॉर्मिंग अ ग्रुप इन विच वी हैव डिससिमिलर काइंड ऑफ आइटम्स टुगेदर, डिससिमिलर काइंड ऑफ एलिमेंट्स टुगेदर, तो इसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। एक बार ये डिक्लेयर हो गया और फिर हम इस स्ट्रक्चर के अंदर में से ये जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या स्ट्रक्चर के, इनको अब हम मेंबर कहना शुरू कर देंगे। तो स्ट्रक्चर के ये जितने अलग अलग टाइप के मेंबर हैं, इनमें हम वैल्यू को असाइन करेंगे और इनमें जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको डिस्प्ले करेंगे, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस। एक बार ये छोटा सा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया तो आप बड़े स्ट्रक्चर और अच्छे से विजुअलाइज कर सकते हो, रियलाइज कर सकते हो। तो इस वाले एग्जांपल में हम सपोज एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं और उस स्ट्रक्चर में हम दो डिटेल रखना चाहते हैं एक स्टूडेंट के बारे में। पहली डिटेल होगी स्टूडेंट का नाम, यहाँ पे हम रखना चाहते हैं नेम, और फिर हम लोग रखना चाहते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर RN। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना होगा और ऑब्वियसली इस तरीके का कोई एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा, इसको एक नाम मिल जाएगा, एक इंस्टेंस मिल जाएगी S1। इसके अंदर में S1 में यहाँ पे हम कोई नाम रखना चाहते हैं, मान लेते हैं हम नाम रखना चाहते हैं DP, और उसके बाद रोल नंबर में मान लो रखना चाहते हैं 1। तो ऐसा कुछ एक स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं। तो इस स्ट्रक्चर का पहले हमारे को ये फॉर्मेट डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद हमें ये डिक्लेयर करना होगा कि स्ट्रक्चर में हमें क्या रखना है। एक वेरिएबल रखना है नेम विच इज़ अ स्ट्रिंग, एक अनदर वेरिएबल रखना है RNO जो कि एक इंटीजर होगा जिसमें हम लोग रोल नंबर रखेंगे। उसके बाद इस स्ट्रक्चर का एक इंस्टेंस या एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे S1, और S1 की मदद से नेम को एक्सेस करके उसमें वैल्यू असाइन करेंगे, रोल नंबर को एक्सेस करके उसे वैल्यू असाइन करेंगे, और
एस वन की मदद से इनको निकाल के या इन वैल्यूज़ को निकाल के हम लोग प्रिंट करेंगे। तो ये सिंपल सा प्रोग्राम कैसे लिखा जाना है, ऑब्वियसली सारा का सारा प्रोग्राम मेन के अंदर लिखा जाना है। अंदर आए, अंदर में सबसे पहले जैसे हम लोग बाकी सारे वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, वैसे ही अब हमारे पास क्या तरीका है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना है। तो स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने का तरीका क्या होता है, एक हमारे पास कीवर्ड है स्ट्रक्ट, इसका नाम हम लोग रख लेते हैं स्टूडेंट। इस स्ट्रक्चर का नाम रख लेते हैं स्टूडेंट, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। अब इस कर्ली ब्रेसेस में पहले हम क्या रखना चाहते हैं, पहला वेरिएबल हम क्या रखना चाहते हैं, नेम। वो किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का, सभी को पता है कैर स्टार नेम, ये स्ट्रिंग को बनाने का सबसे सिंपल और रिकमेंडेड तरीका है। उसके बाद दूसरा वेरिएबल हम क्या रखना चाहते हैं, रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या है, इंटीजर टाइप का, तो इंट आर एन ओ, ये हमारा दूसरा वेरिएबल हो गया। इसके बाद हम इसको बंद कर देंगे और इस डिक्लेरेशन को टर्मिनेट कर देते हैं। जैसे ये सारे डिक्लेरेशन टर्मिनेट हो रहे हैं, वैसे स्ट्रक्चर का भी डिक्लेरेशन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये हुआ सबसे पहला काम, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करना। अब इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने के बाद में इस स्ट्रक्चर का हमें एक इंस्टेंस बनाना होगा, और ऐसे हम कई इंस्टेंस बना सकते हैं, S1 भी बना सकते हैं, फिर बाद में हम लोग S2 भी बना सकते हैं। तो S2 भी कुछ इसी तरीके का इंस्टेंस कहीं पे क्रिएट होगा, उसके अंदर में भी नेम नाम का वेरिएबल है जिसमें कुछ असाइन कर सकते हो, RNO नाम का वेरिएबल है जिसमें कुछ असाइन कर सकते हो। तो ऐसा काम करने के लिए ये दो इंस्टेंसेस कैसे क्रिएट करने हैं, तो इसका सिंपल सा तरीका है स्ट्रक्ट, और इसका नाम क्या है स्टूडेंट। अब हम दो वेरिएबल बना रहे हैं, एक है S1 कॉमा एक है S2, बस ये दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर करके छोड़ दिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये है केवल स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन, या एक तरीके से आप मान लो कि ये फॉर्मेट का डिक्लेरेशन है, केवल फॉर्मेट डिफाइन कर रहे हैं, डिसाइड कर रहे हैं। अब हम इस फॉर्मेट के साथ में काम करने वाले हैं, तो हमें इस फॉर्मेट में स्टोर होने वाले दो इंस्टेंस या दो वेरिएबल क्रिएट करने होंगे, S1 एंड S2, और उनको डिक्लेयर करने का तरीका क्या है, ये वाला। अब ये कुछ बिल्कुल वैसा ही है, जैसे अगर मान लीजिए स्ट्रक्ट स्टूडेंट नहीं होता और इंटीजर बनाना होता, तो हम यहाँ पे लिख देते इंट S1, S2। लेकिन अभी हमें स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर, इस वाले फॉर्मेट को फॉलो करने वाले दो वेरिएबल्स बनाने हैं, तो हमने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। अब हमारे पास S1 मिल गया, S2 मिल गया। S1 को हम लोग सीधे सीधे इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने का तरीका क्या है, अगर एक लाइन में भी हम डिक्लेरेशन के साथ में भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। चलिए बाद वाला तरीका लगा लेते हैं। हमें पता है ये S1 है, S1 के अंदर हमें नेम को पकड़ना है, और नेम में मान लीजिए मुझे DP को रखना है। तो बहुत सिंपल तरीका, S1.name DP, चला गया जी DP पहले में। उसके बाद S1.RNO, इसमें हमने 1 असाइन कर दिया। तो ये हुआ पहले S1 के अंदर में डिटेल को भरना। अब S2 के अंदर में भी भरना है, तो जी S2.name, यहाँ पे मान लेते हैं ABC भर लेते हैं, और S2.RNO मान लो यहाँ पे 2 भर देते हैं। तो ये हुआ दूसरे में डिटेल भरना, दोनों में डिटेल भर दी। अब प्रिंट करके देख लेते, तो प्रिंट एफ पहला वाला डिटेल फर्स्ट स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट कर लेते हैं। तो एक ही लाइन में कैसे प्रिंट करेंगे, जी बिल्कुल करेंगे प्रिंट एफ, हमने यहाँ पे कह दिया /n, हमने कहा नेम क्या है %s क्योंकि स्ट्रिंग है, कॉमा रोल नंबर क्या है RNO क्या है %d। अब इसको हमने भर दिया इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा के बाद हमें पता है नेम कैसे एक्सेस होगा S1.name, और रोल नंबर कैसे एक्सेस होगा S1.RNO। बस ऐसे ही हम सेकंड के लिए भी लिख सकते हैं, ये हमारा getch लग जाएगा, और getch के बाद में सेमीकोलन, सॉरी ये कर्ली ब्रेसेस बंद हो जाएगा। तो ये है हमारा वेरी सिंपल प्रोग्राम टू डील विद दिस स्ट्रक्चर। ओके, लेट्स वेरीफाई दिस प्रोग्राम विद आर टूल टर्बो C++ कंपाइलर। ऑलरेडी एक प्रोग्राम मैंने लिखा हुआ है, हम दोबारा से इसको लिखेंगे, सो दैट यू विल बी हैविंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाट आई एम डूइंग, पहले से जो प्रोग्राम बने हुए हैं मैं उनको क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग एक फ्रेश विंडो ओपन करेंगे, एडिटर ओपन करेंगे, न्यू F5 से स्क्रीन को बड़ा कर देंगे। पहला काम है सेव करना,
इसको मैं एस टी आर यू सी टी स्ट्रक्ट थ्री डॉट सी कर देता। पहली लाइन हमको पता है इंक्लूड एस टी डी आई ओ डॉट एच, एस टी डी आई ओ डॉट एच। सेकेंड लाइन है इंक्लूड कोन आई ओ डॉट एच, देन योर मेन फंक्शन, बिकॉज योर एवरी सी प्रोग्राम इज नथिंग बट अ मेन फंक्शन। ओके, आपको पता है एक दो मार्कर है सी एल आर एस सी आर, और उसके बाद है गेट सी एच। जितना भी डिक्लेरेशन होगा सी एल आर एस सी आर से होगा। अब हमारे पास डिक्लेरेशन किसका है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट का पहला, यानी कि फॉर्मेट को पहले बताओगे, यानी कि स्ट्रक्चर में क्या क्या है जी। एक नेम है, स्ट्रिंग है, उसका नाम क्या है नेम, और एक इंटीजर है आर एन ओ। ये दो मैंने डिक्लेयर करके छोड़ दिया। अच्छा, जैसे हर डिक्लेरेशन टर्मिनेट होता है, ये डिक्लेरेशन भी टर्मिनेट होगा। उसके बाद आपको इस स्ट्रक्चर के दो इंस्टेंसेस क्रिएट करने हैं। कैसे करेंगे, पहले बताना पड़ेगा स्ट्रक्ट क्या नाम है स्टूडेंट, पहले इंस्टेंस पहला वेरिएबल का नाम, पहले इंस्टेंस का नाम एस वन, दूसरे वेरिएबल का नाम एस टू। ये हमने दो क्रिएट करके रख लिए। अब यहाँ पे आए हमें फर्स्ट डिटेल, फर्स्ट स्टूडेंट फर्स्ट, और यू कैन से एस वन मेंबर्स इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं। तो हमें पता करना है एस वन, एस वन के अंदर नेम, नेम में मैं क्या रखना चाहता हूँ डीपी, सिंपल सा असाइनमेंट। एस वन को पकड़ो डॉट आर एन ओ को पकड़ो, उसमें क्या रखना चाहता हूँ रोल नंबर वन, हो गया फर्स्ट मेंबर। ऐसी एस टू मेंबर्स इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं, एस टू डॉट नेम पकड़ लो, इसमें मान लो मैं ए बी सी रख लेता। उसके बाद एस टू डॉट एज सॉरी रोल नंबर पकड़ लेते हैं, और इसमें रख लेते हैं लपो रोल नंबर टू। अब इनका डिटेल प्रिंट करना है, तो प्रिंटिंग करने के लिए क्या सिंपल तरीका है, हमारे पास प्रिंट एफ स्टेटमेंट है, तो हमने लिखा प्रिंट एफ। पहले थोड़ा फैंसी स्टाइल बना लेते हैं, फर्स्ट स्टूडेंट डिटेल, यहाँ पे भी स्लैश है ताकि अगला वाला प्रिंट नई लाइन से प्रिंट हो। देन यहाँ एक लाइन में प्रिंट कर लेते हैं सारा डिटेल। हमें नेम प्रिंट करना है परसेंट एस, क्योंकि स्ट्रिंग है, कॉमा हमें आर एन ओ प्रिंट करना है, वो इंटीजर है तो परसेंट डी, और साइड राइट साइड पे एस वन डॉट नेम और एस वन डॉट आर एन ओ, ये दो वेरिएबल हमने ले लिए। ऐसी थोड़ा फ्रेंसी स्टाइल में सेकेंड का भी डिटेल प्रिंट कर लेते हैं, स्लैश एन सेकेंड स्टूडेंट डिटेल स्लैश एन, इसको बंद कर दो। प्रिंट एफ देन योर नेम इज परसेंट एस, देन योर आर एन ओ इज परसेंट डी, देन एस टू डॉट नेम, क्योंकि सेकेंड में हम एस टू का दिखा रहे हैं, एस टू डॉट आर एन ओ ये हमने दिखा रहे हैं। आई थिंक ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है। ऑल्ट एफ करेंगे, सेव करेंगे, ऑल्ट आर करेंगे, रन करेंगे। ओके, सो हेयर यू सी द आउटपुट। पहले स्टूडेंट का डिटेल नेम में डी पी है, आर एन ओ में वन है। सेकेंड स्टूडेंट का डिटेल नेम में ए बी सी है, आर एन ओ में टू है। ओके, सो विद दिस सिंपल प्रोग्राम यू आर गोइंग टू लर्न हाउ वी डिक्लेयर अ स्ट्रक्चर, देन हाउ वी आर एक्सेसिंग द मेंबर्स ऑफ दैट स्ट्रक्चर। व्हाइल वी आर एक्सेसिंग द टू थिंग्स वी कैन डू, वी कैन इनिशियलाइज द मेंबर्स एंड वी कैन एक्सेस द वैल्यूज ऑफ द मेंबर्स। ओके, तो ये सिंपल प्रोग्राम का प्रैक्टिस करके यू विल बी गेटिंग द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। सो हेयर यू सी दैट डिससिमिलर आइटम्स है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है, एक रोल नंबर है इंटीजर, तो उनका हमने एक ग्रुप बना के रखा हुआ, लेकिन इस ग्रुप को बनाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। इस ग्रुप को बना देने के बाद, इस फॉर्मेट को डिक्लेयर करने के बाद, हमें ये भी डिसाइड करना होता है कि इस फॉर्मेट को फॉलो करने वाले कितने वेरिएबल्स बनाने हैं। तो पहले वो वेरिएबल्स बनाने होते हैं एस वन एस टू, जैसे हमने यहाँ पे बनाया स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस वन एंड एस टू, और फिर एस वन पे अलग से काम करो, एस टू पे अलग से काम करो, एंड देन यू आर इंडिपेंडेंट एस वन एंड एस टू। सो व्हाट वी विल से दैट हमारे पास एस वन है, एस वन क्या है स्ट्रक्चर टाइप का है, कौन से स्ट्रक्चर टाइप का है स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है, एस टू क्या है स्टूडेंट स्ट्रक्चर टाइप का है। S1 और S2 अगर हमें पता है तो S1 की मदद से हम सारे मेंबर्स निकाल सकते हैं, S2 की मदद से हम सारे मेंबर्स निकालते हैं, बस ये सिंपल डॉट ऑपरेटर लगा के। ओके, सो आई होप यू विल बी गेटिंग द गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्ट्रक्चर।
एंड वी विल डेफिनेटली कम अप विद दी अनदर लेक्चर ऑन द स्ट्रक्चर सीरीज वेरी सून. सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मे पेशेंटली.